कितने सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले दम आलू बनकर तैयार हुए हैं। रेस्टोरेंट जाकर दम आलू तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज की इस रेसिपी को देखकर आप हमेशा दम आलू अब घर पर ही बनाएंगे, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दम आलू बनाने की बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, जिससे आपको घर पर दम आलू बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब रेस्टोरेंट से अच्छा टेस्ट घर पर पाएंगे तो भला बाहर का खाना अब क्यों खाएंगे। तो क्या आप भी तैयार हैं ये दमदार दम आलू बनाने के लिए? लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं ऐसे दम आलू जिन्हें देखकर आपका मन कहेगा कि सारे मैं ही खा लूं। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम उबले हुए छोटे आलू लिए हैं। तो जो छोटे आलू आते हैं उसमें भी दो साइज आती है, एक तो ये एकदम छोटी वाली साइज आती है और दूसरी इससे भी थोड़ी बड़ी साइज भी आती है। तो आप दोनों में से किसी भी आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सपोज आपको दम आलू बनाने के लिए ऐसे छोटे आलू नहीं मिलते हैं, तब आप मीडियम साइज के आलू ले सकते हैं। आलूओं को पहले उबाल लें और उबालने के बाद उन्हें हाफ पीसेस में कट कर लें, क्योंकि टेस्ट तो आलूओं का वही रहता है, बस साइज का ही फर्क होता है। एक टूथपिक की सहायता से मैं इस तरह से आलूओं को प्रिक कर रही हूँ ताकि ये ग्रेवी में जाने के बाद भी सॉफ्ट रहें। अब इन आलूओं को जब आप उबालें तो ध्यान रखें कि या तो आप इन्हें खुला रखकर ही पकाएं, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, और यदि कुकर में उबाल रहे हैं तब आप इन्हें एक विसल लगाएं और एक्स्ट्रा प्रेशर निकाल दें, तो इससे आलू अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फटेंगे भी नहीं। नहीं तो आलू ज़्यादा और कुक होने से ही फट जाते हैं, तो उन आलू का इस्तेमाल करने से दम आलू फिर इतने अच्छे नहीं बनते हैं। आलू हमने तैयार कर लिए हैं और अब एक पैन के अंदर 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। दम आलू बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल के गरम होते ही इसके अंदर ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी और 2 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक या 1/4 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लें। अब इन मसालों के साथ ही हम आलू को ऐड करेंगे और आलूओं को मसालों और तेल के अंदर शैलो फ्राई करेंगे। इससे आलूओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन आलूओं को ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन यदि शैलो फ्राई करके लेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सारे आलू मैंने पैन के अंदर डाल लिए हैं और अब 4 से 5 मिनट या जब तक इनके ऊपर गोल्डन लेयर ना आ जाए तब तक इन आलूओं को हम इस तरह चलाते हुए पलटते हुए और पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम पर आलू हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगेंगे और इन पर क्रिस्पी लेयर नहीं आ पाएगी। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आलूओं का कलर ऊपर से गोल्डन हो गया है, तो बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। तो वापस इन आलूओं को हम उसी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये आलूओं का हमारा काम हो चुका है। एक बार इन्हें हम साइड में रख देते हैं और सेम पैन के अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में लेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे और साथ ही 1 बड़ी इलायची। अब इन खड़े मसालों को पैन के अंदर डालकर कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। दम आलू बनाने के लिए इन खड़े मसालों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसी से एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। तो ये 30 सेकेंड के लिए मैंने मसालों को पका लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के पतले और लंबे कटे हुए प्याज, साथ ही डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छीलकर मैंने कई पीसेस में कट कर लिया है, और साथ में डालेंगे 4 से 5 काजू। तो काजू से ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और काफ़ी क्रीमी और थिक ग्रेवी बनकर तैयार होती है। अब इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़ी साइज के पतले और लंबे कटे हुए टमाटर, साथ ही डाल रही हूँ मैं 1 हरी मिर्च जिसे मैंने ऐसे काट कर ले लिया है, और अब इन्हें भी हमें अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो इसके लिए हम इस पर नमक डाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए या जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे सॉफ्ट ना हो जाएं तब तक पका लेंगे। तो पैन को मैंने कवर कर दिया है।
4 मिनट बाद चेक कर लेंगे। और एक बार बीच में मैंने चला दिया था तो अब ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो हम इजीली इन्हें ग्राइंड कर पाएँ। तब तक हम एक मसालों का पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल के अंदर डालेंगे 1/4 कप ताज़ा दही। तो अच्छा ताज़ा दही लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। ज़्यादा पुराना दही लेंगे तो दही उतना ही ज़्यादा खट्टा होगा और ग्रेवी भी फिर ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। अब इस दही के अंदर ही डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन मसालों को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये चम्मच से अच्छे से नहीं फेंटा जाएगा तो इसके लिए एक विस्कर की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लें। तो ये देखिए बढ़िया क्रीमी टेक्सचर का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और जब तक तेल गरम हो रहा है तो जो चीज़ें हमने पका के रखी थी पैन के अंदर वो ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे एक बार साइड में रख देंगे और तेल के अंदर सबसे पहले जो दही और मसालों का पेस्ट बनाया था उसे पकाएंगे। अब इस पेस्ट को हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये पेस्ट काफ़ी अच्छा दानेदार और एकदम लाल ना हो जाए। तभी ग्रेवी का कलर एकदम लाल आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। दही को हमेशा लगातार चलाएं डालने के बाद, नहीं तो ये फट सकता है। तो जब हम दही के अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं तो इस तरह जब हम डायरेक्ट तेल में भी डालते हैं तो दही फटेगा नहीं। और ये देखिए कुछ ही देर में बढ़िया दानेदार मसाला बनकर तैयार हो गया है और कलर भी इसका कितना अच्छा आया है। सारा ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अब जो ग्राइंडर जार में हमने पेस्ट बनाया था वो डालकर इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो वैसे तो इसमें सारी चीज़ें पकी हुई है, लेकिन इस तरह जब मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेते हैं तो टेस्ट और भी बढ़कर आएगा। तो 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और अब ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो हम ग्राइंडर जार में थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ग्राइंडर जार में पेस्ट रह गया था। पेस्ट गाढ़ा होता है तो ग्राइंडर जार में ही लगा रह जाता है। तो इसी में मैंने थोड़ा पानी डालकर इसमें मिक्स कर लिया है और पहले चेक कर लेंगे कि इसमें कितना पानी और चाहिए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी है तो थोड़ा पानी मैंने और डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेते हैं। और क्योंकि ये ग्रेवी धीरे धीरे जैसे जैसे पकती जाती है गाढ़ी होती जाती है, तो अभी भी ये जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक है, तो थोड़ा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो इसे कवर करके हम एक बॉयल आने देते हैं। ग्रेवी में अच्छा बॉयल आ चुका है तो जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो अब इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को मैंने पैन के अंदर रोस्ट करके लिया है, तो इस तरह क्रश करते हुए कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। आलूओं के साथ कसूरी मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब आलू और कसूरी मेथी को ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन को कवर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। अब जैसे जैसे हम इस ग्रेवी को पकाते जाते हैं ये गाढ़ी भी होती जाती है और इसका कलर भी लाल होता जाता है। तो अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर एक बार फिर से 1 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो कढ़ाई को हम कवर करके ही पकाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी छींटे आते हैं। तो ये 1 मिनट के लिए मैंने और पका लिया है और देखिए ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा लाल हो गया है। अब यदि आप चाहें तो इसमें लास्ट में एक फाइनल तड़का और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने एक तड़का पैन में घी गरम कर लिया है और घी के अंदर हम कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। घी के अंदर इस तरह से रोस्ट हो जाएंगी धनिया पत्ती, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही जैसे रेस्टोरेंट में एकदम लाल लाल दम आलू मिलते हैं तो वैसा कलर लाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी पका लेते हैं। तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब ये तड़का हम कढ़ाई में लगा देंगे इन आलुओं के ऊपर और ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। वैसे तो ये ग्रेवी आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने पकाया है ये काफ़ी लाल हो चुकी है, और तड़के के साथ जब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे तो ये और भी अच्छी टेस्टी और सुंदर हो जाएगी। और कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में इतनी सुंदर लगने लगती है तो खाने में तो टेस्टी होगी ही। तो एक बार फिर मैंने इसे 1/2 मिनट और पका लिया है और ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और
आलू इसमें काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो आलू वैसे तो आपको साबुत आराम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैसे मसालों से कोट हुए हुए हैं। और मैं टेक्सचर दिखाती हूँ आपको आलू का, देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हैं। जैसे ही आप इस ग्रेवी में लिपटे हुए ये दम आलू खाएंगे तो आपकी ज़ुबान खुद ब खुद कह उठेगी वाह भाई वाह। तो दोस्तों आप भी ऐसी तारीफें पाने के लिए ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करें, और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज की ये दम आलू की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए हंसाते रहिए।